इसके कांटेक्ट में आता है आत्मन, और उस आत्मन को यूज करना शुरू कर देता है ये। और पहले छोटा सा सेल बनता है, एक सेल से दो, दो से दस, और दस से एक बच्चा बन जाता है, एक इंसान बन जाता है। पूरे टाइम आपका शरीर यूज कर रहा है आत्मन को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज में। हम लोग आज एक सवाल लेंगे, हमारे एक फ्रेंड ने पूछा है कि आखिर आत्मा शरीर को पकड़ती कैसे है। बहुत पुरानी कहानी है ये, बहुत ही पुरानी, और इस तरह के सवालों को हम लोग समझना नहीं चाहते, एंजॉय करते हैं। तो मैं सबसे पहले तो आपसे, जिन भाई साहब का ये सवाल है, मैं उनसे कहना चाहूँगा, अपने आप से ये पूछिए बिना ये माने हुए कि आपको पता है कि शरीर क्या होता है। शरीर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है, उसमें ढेर सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं और उनको चलाने वाला ब्रेन होता है। लेकिन आपको सवाल ये पूछना है कि ब्रेन को चलाने वाला कौन है। अगर अपने शरीर को आप एक रोबोट मानते हैं तो रोबोट को चार्ज कैसे होता है, उसकी इंटेलिजेंस कहाँ से आती है, उसके सॉफ्टवेयर्स और हार्डवेयर्स कहाँ से आते हैं, इस चीज़ को आप पूछिए कि आखिर इसको चला कौन रहा है। खैर, जो भी है, आपका शरीर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन है। अब दूसरा सवाल, इसको आत्मा पकड़ती कैसे है। क्या आप ये मानते हैं कि आपके अंदर में आत्मन है, और अगर है तो क्या आप ये जानते हैं कि आत्मन या सोल होती कैसे है। मैं क्लियर करता हूँ यहाँ पे कि आत्मन कोई छोटी सी ज्योति जैसे नहीं होती, जैसे पुरानी फिल्मों में दिखाया जाता था, एक आदमी मर गया तो उसकी आत्मा शरीर में से निकल गई और चली गई। ना, ऐसा नहीं होता। आत्मन होती है बहुत बड़े से आसमान की तरह, आपके अंदर भी होती है और बाहर भी होती है, लेकिन जो आपके अंदर होता है वो रत्ती भर भी कम नहीं होता। जैसे आपके घर में स्पेस है, घर के अंदर है, फिर भी उसको आप भर नहीं पाए हैं, खाली जगह कभी भरती नहीं है। ठीक ऐसे ही जब भी आत्मन आपके शरीर में वास करती है, उसको कोई लिमिटेशन परेशान नहीं कर पाता, वो लिमिटेड नहीं होती। अब आपने सवाल पूछा आखिर आत्मा शरीर को पकड़ती कैसे है, ये उल्टा ही है दोस्तों। आत्मा शरीर को नहीं पकड़ती, शरीर आत्मन को पकड़ता है। जी हाँ, शरीर एक ऐसा मशीन है जिसको सर्वाइव करने के लिए इंटेलिजेंस चाहिए और एनर्जी चाहिए। आपके आसपास पंच महाभूत हैं, हवा, पानी, आग, स्पेस, मिट्टी, इनको यूज़ करना आना चाहिए इस शरीर को, जो कि ये शरीर जानता नहीं है। फिर इसके कांटेक्ट में आता है आत्मन, और उस आत्मन को यूज़ करना शुरू कर देता है ये। और पहले छोटा सा सेल बनता है, एक सेल से दो, दो से दस, और दस से एक बच्चा बन जाता है, एक इंसान बन जाता है। पूरे टाइम आपका शरीर यूज़ कर रहा है आत्मन को। तो कभी भी आत्मन शरीर को नहीं पकड़ता, शरीर आत्मन को पकड़ता है। तो लास्ट सवाल ये है, आत्मन क्या होता है। जब कोई किसी से पोसेस्ड होता है तो आत्मा नहीं होती, वो केवल और केवल मेमोरीज होती हैं। कोई आदमी जो मर गया है, उसकी आत्मन स्पेस की तरह स्पेस में मर्ज हो गई है, अनडिस्टर्ब्ड। उसकी बॉडी यहाँ पर धरती में या तो राख बन गई या तो मिट्टी बन गई, बची उसकी माइंड और मेमोरीज, वो हवा में रहती है। अगर वो आदमी बहुत परेशान है तो हवा में रहती है। और हम में से जो भी इंसान बहुत वल्नरेबल होते हैं, बहुत कमज़ोर होते हैं, उस मेमोरीज को पकड़ के एक्सपीरियंस करते हैं, उसी को आप लोग बोलते हैं कि आत्मा ने शरीर को पकड़ लिया। इस दुनिया में आत्मा के पास एक खाली टाइम नहीं है कि किसी को पकड़ करके उसको परेशान करे या खुद परेशान हो। आत्मन बहुत वास्ट चीज़ है, बहुत फ्री चीज़ है और बहुत ही गहरी चीज़ है। उसको अगर समझना है तो आपको एनर्जी इकट्ठी करनी होगी, ज्ञान इकट्ठा करना होगा, तपस्या करनी होगी और संस्कार चेंज करने होंगे। लेकिन फिलहाल मेरे ख्याल से आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, इसलिए आप कहानियाँ सुनिए, अच्छी अच्छी कहानियाँ, और सोते रहिए। और अगर जगना हो तो मुझे बताइएगा।